हादसा होने का खबर मिला था कि एक डेड बॉडी मिला है, काफी लोग सस्पेक्ट कर रहे थे कि मर्डर हुआ है, वो केस का बारे में थोड़ा जानकारी। बेसिकली मैम कल करीबन 5 बजे इथा पीएस में एक कॉल आया। ओसी पीएस पालाकाता अलीपुर दौर डिस्ट्रिक्ट वेस्ट बंगाल से कि उसकी कहना है कि एक राजेश पंडित बोल के एक लड़का है, वो सेल्फ सरेंडर हुआ है उसकी पुलिस स्टेशन में, और वो कॉन्फेस कर रहे हैं कि वो अपना दोस्त मदन दास को किल किया गया है अरुणाचल प्रदेश में। तो उसके बाद 7 बजे करीबन 7 बजे एक प्रतितोष दास एक कॉम्प्लेन देते हैं, एक रिपोर्ट देते हैं कि उसकी जो दो एम्प्लॉय थे प्रतितोष दास जो वो अरुणादया ट्राई जंक्शन में एक मिताय की शॉप चलाता है, उसकी दो एम्प्लॉय है, एक है मदन दास और एक है राजेश दास, 19 से रिपोर्ट नहीं हुआ। दोनों कुंजन नगर मर्धन पीएस पालाकाता वेस्ट बंगाल का निवासी है। तो दोनों 19 से रिपोर्ट नहीं हुआ। तो बेसिकली ये बात हमें खबर भी दिया हुआ है, तो अकॉर्डिंगली हम और मेरा टीम उस स्पॉट पर चला जाते हैं। और दोनों की जो स्टेइंग थे, एकोमोडेशन थे, जो नॉर्थ लैंड फर्नीचर में, जो नॉर्थ लैंड फर्नीचर की जो स्टोर रूम बेस लाइन में, तो हम मेरा टीम चले गए वहाँ पे, और उसके बाद वहाँ पे हम डेड बॉडी को रिकवर हुआ। वो डेड बॉडी मदन दास थे, उसका आइडेंटिफाई हुआ है मदन दास से। एक्चुअली इंसिडेंट एज पर प्रीलिमिनरी इंट्रोगेशन में इंसिडेंट हाईवे जस्ट हाईवे आसपास नहीं, वहाँ पे एक नॉर्थ लैंड फर्नीचर की उस साइड में नीचे में ग्राउंड फ्लोर में वो रहता था, वहीं पे दोनों के बीच में अनबन हुआ होगा। अभी इनिशियल स्टेज है, इंट्रोगेशन अंडर हुए है, तो सभी को बताना अभी उचित नहीं है। तो उस बॉडी को हम इंक्वेस्ट किया गया है, पोस्टमार्टम के लिए भेज रहे हैं। तो सर यहाँ में इधर अगर कैपिटल में ऐसा हादसा होता है, आप लोग ऐसे पुलिस फोर्स जो भी यहाँ के रखवाले हैं, तो ऐसे इंसिडेंट होता है तो काफ़ी लोग डर जाते हैं, जो बाहर से लोग आते हैं उस पर भरोसा भी नहीं कर पाते हैं। तो ऐसा जब ऐसा इंसिडेंट होता है तो आप लोग पब्लिक को क्या ओपिनियन देना चाहिए? पब्लिक से ये सजेशन दे सकते हैं कि इसे पैनिक होने की इतना ज़रूरत नहीं है, कि हम अपने आप को सुरक्षित बनाना और पुलिस पर भरोसा रखिए, हम हमेशा आपके लिए हैं। और जो बाहर से आते हैं यहाँ पे कुछ एम्प्लॉय बन के, उन लोग की बिहेवियर को विजिल में रखना बहुत ज़रूरी होते हैं। खास तौर से आप देख रहा होगा जितना अभी फिलहाल जो क्राइम चल रहा है, जो मर्डर की 2-3 इंसिडेंट हुआ इस साल में, तो वहाँ की बाहर लोग ही हुआ है, तो उसका जो एम्प्लॉयर है, जो उसका जो गार्जियन है, उन लोग से भी हम ये कहना चाहूँगा कि आप जो भी किसी को भी यहाँ लेके आते हैं, अपने एज ए एम्प्लॉय बनाते हैं, तो उसको आप कॉन्स्टेंट वॉच में रखना, उसके बिहेवियर को आप विजिल में रखना, और कुछ सस्पिशियस बिहेवियर है तो पुलिस को इन्फॉर्म करना बहुत ज़रूरी है। एक्चुअली अभी फ्रेमा फेसी एविडेंस से हम पता चलते हैं कि अपेरेंटली एक मर्डर केस है, तो हम केस रजिस्टर हुआ है 302 में। तो अभी 21 को लेने मेरा टीम भेज दिया है, 21 को हम लेके आएंगे, और पोस्टमार्टम रिपोर्ट से हम पता चलेंगे कि वो कौन सी उसकी ग्राउंड क्या थी, तो उसके बाद ही हम आपसे सही
बताना उचित रहेगा।